हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बर्थडे मेकअप सीरीज़। एंड इस सीरीज़ में ये फर्स्ट मेकअप लुक है, इसमें मैं करूँगी ब्लैक स्मोक ही आई। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज से शुरू करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का ये मॉइस्चराइज़र, ब्लू ढक्कन वाला। इसे मैं अपने ऑल ओवर फेस पे अच्छे से अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अपने आईज़ को भी बिल्कुल भी मत भूलना, अपने आईज़ को भी मॉइस्चराइज करना एंड अपने नेक को भी मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड उसके बाद मैं अपने आईब्राउज़ को कोम करूँगी की मदद से। एंड उसके बाद मैं अपने आईब्राउज़ को फिल करूँगी लैरी डोडा का 16 कलर आई शेडो पैलेट से, डार्क ग्रे और ब्लैक काइंड ऑफ शेड की मदद से। तो गाइस, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैं इस पूरे मेकअप लुक को कम्प्लीट करूँगी, यानी मेरा ब्लश, कॉन्टोर, हाईलाइटर, आई मेकअप जितने भी सारे हैं उसे मैं कंप्लीट करूँगी मैं एक ही आई शेडो पैलेट की मदद से, ठीक है। उसके बाद मैं एपीके का मैजिक परफेक्ट कंसीलर की मदद से अपने आईब्राउज के गलती को करेक्शन करूँगी एंड मैं अपने आईज़ को पहले प्रेप कर लूँगी। मैं आईब्राउज के ऊपर नीचे दोनों ही फ्लैट एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की मदद से जो कंसीलर को अप्लाई कर दूँगी। एंड इससे क्या होगा, आपका आईब्राउज जो एक बहुत ही शार्प लुक मिलेगा एंड इससे आपका फेस को भी एक अच्छा डायमेंशन मिलेगा। एंड मैं स्मॉल फ्लफी ब्रश की मदद से अपने आईलिड पे जितना भी कंसीलर है उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो गाइस, एपीके का मैजिक परफेक्ट कंसीलर में मेरा शेड है 04। एंड गाइस, मैं जो है अपने आई मेकअप को ब्लेंड जब तक कर रही हूँ, आप तब तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो जाके सब्सक्राइब कर लो एंड पास में रहता हो बेल बटन को भी हिट कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ उसके बाद मैं जो है अपने आईज पे इन दोनों शेड की मदद से, लाइक पहले जो है ये न्यू पेज काइंड ऑफ शेड की मदद से पूरे आई लिड पे अप्लाई कर दूंगी। एंड देन मैं ये डार्क ब्राउन शेड की मदद से जो है एज अ ट्रांजिशन शेड अपने क्रीज लाइन पे जो है अप्लाई करूँगी। लाइक ऑल ओवर मैं आई लिड पे भी थोड़ा बहुत अप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन स्पेशली जो है क्रीज लाइन और आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ दोनों आईज पे ही। एंड नाउ आप जो है बहुत ही टाइम लेके ब्लेंड करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका आई मेकअप बहुत ही शार्प और लाइक बहुत ही ब्लेंडेड लुक मिलेगा, कोई भी हार्श लाइन नहीं नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये जेल आईलाइनर की मदद से एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, लाइक ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा थिन भी नहीं। अगर ज़्यादा थिक हो जाएगा तो जो है स्मोक या एकदम पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। मैं जो है पहले दोनों आईज पे जो है आईलाइनर अप्लाई कर दूँगी, देन मैं इसे एक स्मॉल ब्रश की मदद से जो अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आप बहुत ही लाइक टाइम लेके ब्लेंड करना ताकि कोई हार्श लाइनर रह जाए, क्योंकि स्मोकी आई में अगर हार्श लाइन नज़र आएगा तो लाइक बहुत ही बेकार सा दिखेगा, ठीक है। तो गाइस, जब तक मैं ब्लेंड कर रही हूँ तब तक आप लोगों से कुछ बातचीत किया जाए, ठीक है। तो गाइस, आप बताओ कि आपको मेरा बर्थडे मेकअप सीरीज़ का पहला वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। एंड अगर आप कोई भी कंटेंट मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले जो है जेल आईलाइनर को यूं ही ब्लेंड कर दूंगी, देन मैं एक ब्लैक आई शेडो की मदद से लाइक मैं जिस कलर को जो है अपने आईब्रोज पे अप्लाई करी थी उस शेड की मदद से जो है अपने ब्लैक स्मोकी आई को जो है ब्लेंड कर दूंगी ताकि ये ट्रांसफर ना हो। तो गाइस, क्योंकि ये एक बर्थडे पार्टी मेकअप लुक है तो इसमें अगर थोड़ा सा भी शाइन ना हो तो ये बहुत ही फीका फीका लगता है, ठीक है। इसलिए मैं जो है इस शिमर शेड को अपने आई मेकअप के आई लिड पे ऊपर अप्लाई करूँगी, ठीक है। इससे जो आपका आई मेकअप लाइक ब्लैक स्मोकी आई मेकअप बहुत ही शिमरी सा, बहुत ही हेल्दी सा एक शाइन प्रोवाइड करेगा। एंड उसके बाद मैं वेट वाइप्स की मदद से अगर मेरे फेस में कुछ भी फॉल आउट हुआ है तो उसे मैं पोछ लूँगी एंड यू कैन सी ज़्यादा कुछ फॉल आउट नहीं हुआ है। एंड गाइस, जब भी मैं अपने बेस मेकअप को स्टार्ट करूँगी उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का इनविजिबल फिनिश ये फाउंडेशन। तो गाइस, ये मेरा न्यू परचेज फाउंडेशन है, अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो ज़रूर कॉमेंट करके बताना, मैं आपको डाल दूँगी रिव्यू। एंड इसकी मदद, इसमें जो है एक स्पैचुला आता है उसकी मदद से
जो है अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर दूंगी। ये मीडियम टू हाई कवरेज प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आया कि ये जो है आपका पोर्स को बहुत ही ज़्यादा विजिबल कर देता है। ठीक है, इसमें मुझे ये फार्मूला उतना अच्छा नहीं लगा। एंड इसे मैं जो है ब्रश की मदद से ब्लेंड कर दूंगी। मैं जो है पहले ब्रश की मदद से चारों ओर फैला दूंगी, देन मैं इसे ड्रैग करते हुए ब्लेंड कर दूंगी। तो गाइस, लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन में मेरा शेड है 02। एंड गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं प्राइमर नहीं अप्लाई करी हूँ। तो गाइस, मैं जो प्राइमर को स्किप कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपने फेस को पहले से ही अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखी थी। एंड अगर आप अच्छे से एक गुड क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे ना, तो अगर आप प्राइमर स्किप भी कर दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस, मैं जो अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अपने ब्लश, कॉन्टोर और कंसीलर को अप्लाई करूँगी। तो गाइस, मैं जो पहले सभी क्रीम प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि समर है तो क्रीम प्रोडक्ट ही बेस्ट है। मैं पहले क्रीम प्रोडक्ट को अप्लाई करके उसे सेट करने के बाद देन मैं उसे पाउडर प्रोडक्ट की मदद से अच्छे से सेट करूँगी। तो गाइस, मैं अपने अंडर आइज पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, थोड़ा सा चिन पे, थोड़ा सा फॉरहेड पे, यानी मेरे हाइलाइटिंग पार्ट्स पे जो है एपीके का मैजिक परफेक्ट कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। तो इसमें मेरा शेड 04 एज यू ऑल नो, एंड ये मेरा स्किन टोन से बहुत ही लाइक 1-2 शेड्स लाइट है। एंड हाइलाइटेड एरिया पे आपको कंसीलर लाइट ही चूज़ करना चाहिए, इससे आपका फेस जो है अच्छा सा एक हाइलाइटिंग मिलता है। एंड अभी मैं जो है कलर करेक्शन नहीं करी हूँ, क्योंकि मुझे उतना डार्क सर्कल का और पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कलर करेक्शन करके कंसीलर को अप्लाई करना। एंड अभी मैं अपने कॉन्टोर कर रही हूँ ब्रश की मदद से। एंड गाइस, ये कोई कॉन्टोर स्टिक नहीं है, ये है ब्राउन लिपस्टिक। एंड सी, इससे कितने अच्छे से कॉन्टोर हो रहा है। तो ये एक हैक समझ लो, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्टोर नहीं है या फिर ख़त्म हो गया है, तो आप अपना कोई सा ब्राउन लिपस्टिक को एज अ कॉन्टोर अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, मैं जो एक फ्लैट स्मॉल लाइक फ्लैट नहीं एक स्मॉल ब्लेंडिंग फ्लफी ब्रश की मदद से अपने नोज के साइड और अपने चीक बोन पे साइड जो है कॉन्टोर अप्लाई कर चुकी हूँ। देन मैं इसे जो अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, मैं मुंह को ऐसे बनाते हुए अपने चीक्स के कॉन्टोर को जो है ऊपर की तरफ ब्लेंड करूंगी, नोज़ को कॉन्टोर के जो है लाइक जहाँ पर है वहाँ पर ब्लेंड करूंगी। ठीक है, तो गाइस, दोनों चीक्स पे कॉन्टोर को ब्लेंड करने के बाद मैं जो अपना ब्लश अप्लाई करूंगी। ब्लश के लिए भी मैं जो है मैक का ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, एक न्यूड पिंक काइंड ऑफ एक शेड है। तो आप ऐसे शेड का ब्लश जो अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप लिप वॉच चिक टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही लिक्विड हाइलाइटर यानी स्ट्रोब क्रीम। स्विस ब्यूटी का ये स्ट्रोब क्रीम मैं जो अपने हाइलाइटिंग पोर्शन यानी मेरे चीक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन, फॉरहेड पे जो अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की मदद से। एंड मैं उसे जो अच्छे से टाइम लेके ब्लेंड कर रही हूँ। तो गाइस, अगर आप वीडियो देख रहे हो और मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो। एंड अभी मैं अपने पूरे सारे जो है क्रीम प्रोडक्ट को अच्छे से सेट कर लूँगी स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर की मदद से। एंड मैं इसे सूखने तक जो वेट करूँगी। इसके बाद मैं अपने फेस को जो है सेट करूंगी लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से। मैं इसे जो है अपने कॉन्टोर के नीचे, अंडर आइज पे, फॉरहेड पे, थोड़ा सा माउथ एरिया पे जो अच्छे से अप्लाई कर दूंगी, ताकि वहाँ पर जो है मेरा ज़्यादा ऑयल और स्वेट निकलता है, ताकि वो जो है सेट हो जाए। एंड कॉन्टोर के नीचे मैं यूज़ करूँगी, ताकि मेरा कॉन्टोर जो है बहुत ही शार्प सा लुक मिले। एंड मैं अंडर आइज पे यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरा कंसीलर जो है क्रीज ना हो। एंड फॉरहेड पे भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं सेम हिलारी डोडा का आई शेडो पैलेट से ये दोनों ऑरेंजिश और पिंकिश शिमरी शेड को एक साथ मैं एज अ ब्लश फिर से अप्लाई कर रही हूँ मेरे क्रीम ब्लश को जो है सेट करने के लिए। तो सी, मैं ये पे जो है शिमरी ब्लश इसलिए अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा कर हाईलाइटर जो है अप्लाई करना ना पड़े। इससे जो है बहुत ही एक हेल्दी सा शाइन भी आ जाएगा। एंड मैं जो थोड़ा सा चिन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो है अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट्स कर रही हूँ ये लाइक हिलारी डोडा पैलेट से शिमरी वाइट शेड की मदद से।
एंड इसे मैं जो है सेम शेड की मदद से जो है अपने ब्राउज बोन को भी हाइलाइट्स कर दूंगी। एंड उसके बाद मैं अपने लोअर लैश लाइन पे जो है आई शेडो लाइक डार्क ग्रे और ब्लैक काइंड ऑफ जो शेड था ना उसे मैं फिर से अप्लाई कर दे रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे। उसके बाद मैं जो है L18 का आई ड्रामा काजल अपने वाटर लाइन पे लाइक लोअर अपर और लोअर दोनों वाटर लाइन पे जो है अप्लाई कर दे रही हूँ दोनों आईज पे ही। उसके बाद मैं अपने आई लैशेस को कर्ल करूँगी एक आई लेस कर्लर की मदद से। तो ये मैं जो है लोकल मार्केट से परचेस करी थी अराउंड 60 or 70 rupees में, मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था एंड ये बहुत ही अच्छे से कर्ल भी कर लेता है। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ करी और अच्छे से गुड अमाउंट में अब अपने लैशेस को कोट करना मस्कारा की मदद से। तो आपके पास जो भी मस्कारा है आप यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ब्लू हेवन का ये मस्कारा है इसलिए मैं जो यही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का ये लिक्विड मैट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। आप अपने ड्रेस से मैच करता हुआ कोई सा भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो या फिर कोई सा भी न्यूड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्मोकी आई के साथ जो न्यूड लिपस्टिक और रेड लिपस्टिक जो है बहुत ही अच्छा जाता है। एंड गाइस हियर इज द फाइनल लुक, यहाँ पे जो कुछ ब्यूटी शॉट्स है। एंड वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरफ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो, बेल बटन को भी हिट कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।